तुम पांच वक्त की नमाज पढ़ते हो अपने मकसद के लिए और मैं पांच वक्त की नमाज पढ़ता हूँ इन बच्चों के लिए। तो यार कैसे हो आप लोग? देखो भाई, फाइनली जाकर मेरा मूड जो है वो थोड़ा ठीक है, क्योंकि जब से मैंने इंदु की जवानी मूवी देखी थी तब से मेरे पूरे मूड की माँ बहन हो रही थी, पूरा गुस्से से बौखला गया था मैं। लेकिन फाइनली संजू बाबा की नई मूवी तुरवाज देखने के बाद, जो कि नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई है, मेरे को तो सदमा लगा था ना इंदु की जवानी मूवी देखकर, उससे मैं बाहर आ पाया हूँ और मेरा मूड जो है वो थोड़ा कूल हो गया। तो अब आते हैं सीधे टॉपिक पे और करते हैं वीडियो को स्टार्ट। डायरेक्टर गिरीश मल्लिक के डायरेक्शन में आई तुरबाज नाम की मूवी जो है, जो कि 11 दिसंबर को ही नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई है। बेसिकली ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जो कि बेस्ड है अफगानिस्तान के रिफ्यूजी कैंप पे रह रहे उन छोटे छोटे बच्चों की, जिन्हें तालिबान के लोग सुसाइड बॉम्बर की तरह यूज करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं। लेकिन फिर वहाँ पे एक एनजीओ के तहत हमारे संजू बाबा एंट्री लेते हैं, वो वहाँ पे आते हैं और उन सारे बच्चों को क्रिकेट खेलना सिखाते हैं ताकि वो फ्यूचर में कुछ अच्छा कर सके, आगे बढ़ सके, ना कि अपनी जान गवाए और तबाही मचाए। और दूसरी तरफ आपको दिखेंगे राहुल देव, जो कि संजय दत्त के अपोजिट में है और एक विलन के किरदार में है, और वो एक टेररिस्ट के गैंग के लीडर का किरदार निभा रहे हैं और वही इन बच्चों को अपने मतलब के लिए यूज कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं सुसाइड बॉम्बर बनाने के लिए, ताकि वो दुनिया में जाकर तबाही फैला सके। बाकी आगे क्या होगा इसके लिए तो भाई आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। मूवी जो है वो काफी इंस्पायरिंग है और कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से आपको अपने साथ बांधे हुए रखती है। पर्सनली जो मुझे मूवी में सबसे ज्यादा पसंद आया वो था भाई मूवी में दिखाए गए विजुअल्स। मतलब यार क्या विजुअल्स थे, एकदम फाड़ू, मतलब बहुत मस्त विजुअल्स दिखाए गए भाई मूवी में। जिस तरीके से मूवी के अंदर में विजुअल्स को शूट किया गया है, फिर एडिट किया गया है, साथ ही जिस तरीके से अफगानिस्तान को दिखाया गया है, रिफ्यूजी कैंप्स को दिखाया गया है, मतलब भाई बहुत लाजवाब, बहुत बढ़िया वर्क रहा है। हमारे जो डायरेक्टर साहब है वो इसी के लिए जाने जाते हैं। बेसिकली बात करें अगर एक्टिंग की तो भाई मूवी में संजू बाबा ने बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से अपना किरदार निभाया है और उनका रोल देखकर ना भाई मूवी में पूरा दिल जो है वो गार्डन गार्डन हो गया। संजू बाबा के साथ नरगिस फकरी भी मूवी में है लेकिन उनको ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं मिला है, बट जितना भी उनको दिया गया था उन्होंने उसको बखूबी निभाया और ठीक ठाक एक्टिंग की मूवी में। मगर संजू बाबा के बाद अगर मुझे कोई किरदार दमदार लगा तो वो था भाई राहुल देव का। मतलब वो नेगेटिव रोल में तो थे ही लेकिन जिस तरीके से उन्होंने उसको भुनाया है, खास करके एक सीन आता है जब संजू बाबा, संजय दत्त और राहुल देव दोनों आमने सामने होते हैं और उस टाइम की कन्वर्सेशन और डायलॉग डिलीवरीज, मतलब यार एकदम लाजवाब है। मगर इन सब में से जिनकी एक्टिंग मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई वो थे भाई द टैलेंटेड किड्स, जो बच्चे हैं मूवी में, उन लोगों ने इतनी अच्छी एक्टिंग की है। मतलब मैं बताने से था, खास करके बाज नाम का जो बच्चा था उसने काफी अच्छी एक्टिंग की है, और भी बहुत सारे बच्चे हैं जब वो संजय दत्त से कन्वर्सेशन करते हैं और उनको जवाब देते हैं ना, वो सीन देखने लायक है। बच्चों ने काफी मेहनत की है, जिन्होंने इनको कास्ट किया है ना, मतलब बहुत सोच समझ कर इन बच्चों को उन्होंने कास्ट किया होगा। मूवी में बच्चों का किरदार बहुत अच्छा लगा मुझे। मूवी का जो स्क्रिप्ट था, मूवी की जो राइटिंग थी वो मुझे काफी अच्छी लगी। स्क्रीन प्ले भी मूवी का बहुत अच्छा था, लेकिन जो पसंद नहीं आया यार वो थे मूवी के सॉन्ग्स और इसका बीजीएम, थोड़ा सा डाउन लगा मुझे। अगर वो भी अच्छा होता तो शायद मूवी मतलब और बेहतर बन जाती और अच्छी बन जाती, लेकिन ऐसा नहीं है कि मूवी अच्छी नहीं है, मूवी काफी अच्छी है, आप आराम से देख सकते हो इसको। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं मूवी में, कहीं कहीं पे ऐसा आता है कि आपको ऐसा लगेगा कि यार स्टोरी ऐसा चल रहा था और एक जगह से स्टोरी कहीं और डाइवर्ट हो गया। कुछ माइनर नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो मुझे पसंद नहीं आई, लेकिन उसके अलावा ये मूवी ओवरऑल बहुत अच्छी है। आप अपने फैमिली के साथ बैठकर मूवी को बड़े आराम से देख सकते हो। एटलीस्ट इंदु की जवानी जो मूवी आई थी उससे तो लाख गुना बेटर ये मूवी है, तो आपको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। मूवी जो है वो आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हो बड़े आराम से। मूवी को IMDb पे तो 5.1 की रेटिंग्स मिली है, बट आप मुझसे पर्सनली पूछें तो मैं मूवी को 3.5 स्टार्स देना चाहूंगा आउट ऑफ 5, क्योंकि वाकई में मूवी मुझे बहुत पसंद आई। तो फिर जाइए और मूवी के मजे उठाइए, लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर कीजिएगा। मूवी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपकी कोई क्वेरीज हो
तो वो भी आप पूछ सकते हो। साथ ही अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ताकि मेरे बनाए वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आपको सबसे पहले मिल सके। आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, मैं यहाँ पे हर किसी के मैसेज का रिप्लाई करता हूँ। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।